नमस्कार मित्रों, स्वागत है आपका। आज है दिनांक 29 जून 2020 सोमवार, और आज की तिथि क्या है तथा आज का चौघड़िया शुभ मुहूर्त क्या है, यह मैं आपको बताने वाला हूँ। आज की तिथि है आषाढ़ मास शुक्ल पक्ष नवमी तिथि, जो कि 10:12 PM तक रहेगी। उसके पश्चात में दशमी तिथि होगी। आज का दिन सोमवार है तथा संपूर्ण दिन नवमी तिथि का माना जाएगा। अब आगे मैं आपको आज के शुभ मुहूर्त, आज के चौघड़िया शुभ मुहूर्त, आज का दिशाशूल, आज के हवन करने का मुहूर्त, आज क्या करें क्या न करें, आज का विशेष उपाय और आज के व्रत त्यौहार की संपूर्ण जानकारी दूंगा। तो आप वीडियो को अंत तक जरूर देखिए। साथ ही इस वीडियो को लाइक नहीं किया है तो अभी लाइक कर दीजिए, और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो लाल कलर का बटन दबा करके चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए। चलिए बात करेंगे आज के प्रथम चौघड़िया शुभ मुहूर्त के बारे में। आज का प्रथम चौघड़िया शुभ मुहूर्त है अमृत, जो कि सर्वोत्तम होता है। प्रातः 5:26 AM से 7:11 AM तक होगा। आइए अब बात करेंगे आज के द्वितीय चौघड़िया शुभ मुहूर्त के बारे में। शुभ जो कि बहुत ही उत्तम होता है, सुबह 8:55 AM से 10:40 AM तक होगा। आइए अब बात करते हैं आज के तृतीय चौघड़िया शुभ मुहूर्त के बारे में। चर जो कि सामान्य होता है, दोपहर को 2:09 PM से 3:54 PM तक होगा। आइए बात करते हैं आज के चतुर्थ चौघड़िया शुभ मुहूर्त के बारे में। अमृत जो कि सर्वोत्तम होता है, शाम 5:38 PM से 7:23 PM, और लाभ दोपहर 3:54 PM से 5:38 PM तक होगा। आइए बात करेंगे आज के विशेष शुभ मुहूर्त के बारे में। आज का अभिजीत मुहूर्त दोपहर 11:57 AM से 12:53 PM तक होगा। आइए बात करते हैं आज के सर्वोच्च अमृतकाल के बारे में। आज का अमृतकाल रात्रि 11:40 PM से 1:10 AM जून 30 तक रहेगा। आइए अब बात कर लेते हैं आज के विशेष शुभ मुहूर्त के बारे में। आज रवि योग सुबह 7:14 AM से 5:27 AM जून 30 तक रात्रिकालीन तक रहेगा। आइए बात कर लेते हैं आज के हवन करने के मुहूर्त के बारे में, अर्थात अग्निवास के बारे में। आज अग्निवास पृथ्वी पर 10:12 PM तक शाम तक रहेगा, उसके पश्चात आकाश में रहेगा। तो आज आप सारे हवनात्मक कार्य कर सकते हैं। आज के दैनिक उपवास और व्रत त्यौहार की बात करें तो आज कोई विशेष व्रत पर्व या उपवास नहीं है, लेकिन आप फिर भी रवि योग या फिर सोमवार का व्रत जरूर कर सकते हैं। आइए बात करते हैं आज के विशेष उपाय के बारे में। आज का विशेष उपाय, आज दिशाशूल पूर्व दिशा में है और साथ ही आज सोमवार भी है, तो आप दर्पण को देखकर अगर यात्रा करेंगे तो आपका कार्य जो करने जा रहे हैं वो जरूर सफल होगा। तो इस प्रकार यह वीडियो रहा है मित्रों। अगर वीडियो पसंद आए तो इस वीडियो को लाइक कर दीजिए, और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए। साथ में बेल आइकन दबाना बिल्कुल ना भूलें। साथ ही इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ में, अपने परिवारजनों के साथ में फेसबुक या व्हाट्सएप के माध्यम से शेयर जरूर करें। धन्यवाद मित्रों। जय हिंद, जय भारत।